संजय साहित्य का रीतिकाल। रीतिकाल की तीन प्रमुख धाराएं, रीतिबद्ध काव्य धारा, नाम सुना ना, दूसरा रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरी रीति मुक्त काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा में एक कवि है और वह भी बहुत महत्वपूर्ण कवि है और रीतिकाल का सबसे बढ़िया कवि है, श्रेष्ठ कवि है और उसका नाम क्या है? बिहारी। हम उस बिहारी को और उसकी रचना बिहारी सत्सई में संकलित दोहे जो आपके पाठ्यक्रम में है उनका आज अध्ययन करेंगे। बिहारी 721 दोहों के बल पर हिंदी साहित्य में छा गए। उनकी रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भरा। गागर में सागर मतलब मटके में एक समुद्र जितना पानी होता है तो उतना उन्होंने समा दिया। क्या खासियत थी? दोहा बहुत छोटा छंद होता है लेकिन उनके जो विचार थे, बड़ी बड़ी बातें थी और जो वो कहना चाहते थे वो छोटे से छंद में कह दिया और उसकी लोग विस्तार करते करते जितना लंबा जा सकते हैं उतना वो चले जा सकते हैं। उनके दोहों के बारे में यह भी कहा कि वो बड़े प्रभावी हैं। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखने में छोटे लगे गांव करे डोरी। दिखते छोटे छोटे से हैं लेकिन जब सामने वाले पर उसका प्रभाव पड़ता है तो बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। उन्हें नावक के तीर कहा गया। नावक के तीर किसको कहते हैं? नावक के यहां पर दो अर्थ प्रकट होते हैं। एक तो छोटे आकार के जो तीर होते थे जो घोड़े चलते हुए और उसके ऊपर जो घुड़सवार है उसको वो चलाते थे और वो सीधा सटीक निशाने पर लगता था, नावक के तीर, ठीक है ना, छोटे धनुष का जो छोटा तीर होता है वो। और दूसरा अर्थ होता है उसका ततैया, जो होता है मधुमक्खी ततैया जो काट देता है उसका डंक कितना छोटा होता है। तो सतसैया के दोहे जो नावक के तीर यानी वो इतने छोटे होते हैं, इतने इतने से तीर होते हैं, देखने में छोटे लगे लेकिन घाव क्या करते हैं? गंभीर करते हैं, यानी उसके अंदर उसकी प्रभावशीलता है। इसका आपका सामने पहला दोहा बिहारी सतसैया का प्रथम पद जो भगवान को समर्पित है, कृष्ण के भक्त थे बिहारी और मंगलाचरण के रूप में किसी कृति की रचना में जो पद आता है वह देखिए। यहां पर कृष्ण की भक्ति के लिए वो राधा से निवेदन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो? मेरी भव पाधारो राधा नागरी सोए, जातन की जाई परे श्याम हरित दूती हो। मेरी भव पाधारो, शाब्दिक अर्थ ब्रज भाषा है, बड़े आसान में आप आसानी से इसको समझ पाओगे। भव बाधा संसार के कष्ट बाधा है। संसार को कष्टप्रद माना जाता है शास्त्रों में, आध्यात्मिक जगत में संसार आपकी दृष्टि में सुखकारी हो सकता है लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह मनुष्य की मुक्ति में बाधक है। और वो बाधा क्या है? यहां पर हमारे कर्मों के कारण हम बार बार जन्म लेते हैं, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं और दुख भोगते हैं, उसके बाद फिर मरण होता है। तो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की हरेक व्यक्ति की आशा रहती, लालसा रहती है और वो मनुष्य जन्म में ही संभव है। राधा नागरी सोय, नागरी इसका अर्थ मैंने लिखा सूर चतुरा, नागर नगर नागर शब्द बनाए नगर से, जो नगर में रहता है। नगर में रहने वाले की खासियत क्या होती है और गांव में रहने वाले की खासियत क्या होती है? एक प्रमुख विशेषता का अंतर क्या है इन दोनों में? गांव वाला सीधा साधा होता है और नगर में रहने वाला थोड़ा चतुर होता है, पढ़ा लिखा होता है तो वो अपनी बात को चतुराई से कह देता है। तो नागरिक मतलब नगर की स्त्री यानी सुचतुर यानी थोड़ी चतुर है, जहां बात को आसानी से नहीं बल्कि उस चतुराई से कहने वाली कौन? राधा को बताया जहां तन की जाई परे। जाई जाई का मतलब समझ सकते हो ना, उसकी छाया जिसकी झलक श्याम हरित दूती होय। हरित का मतलब एक तो होता है हरा रंग का और एक होता है प्रसन्न चित्त खुश, दूती का मतलब होता है इसकी चमक। अब देखो यहां पर श्लेष की जाती है, दो अर्थ निकलेंगे। पहला आप देखे पहला सामान्य साथ देखो, बिहारी निवेदन कर रहे हैं, बिहारी निवेदन कर रहे हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। और निवेदन किससे है?
निवेदन भी किससे है? राधिका से है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे पदों में तुलसी को भी पढ़ा होगा आपने, तो वो भी कहते हैं विनय पत्रिका में कि कब हुआ सर पाई मेरी भी कुछ करो कथा चलाई। यानी माता सीता से निवेदन करते हैं, सीधे राम से बात नहीं करते। यहां पर भी वही है, यहां पर भी वो राधिका से बात कर रहे हैं, वो डायरेक्ट उनसे बात नहीं कर रहे हैं। किन से? सीता से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि किससे बात कर रहे हैं? सीधा कृष्ण से बात नहीं कर रहे बल्कि राधिका से बात कर रहे हैं कि मेरी संसार की बाधाओं का हरण कीजिए, हे राधा नागरेश्वर। आप राधा हैं और बड़े सर चतुर हैं, मतलब आप चतुर हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कृष्ण के सामने मेरा निवेदन पहुंचा देगी कि आपका एक भक्त है बिहारी जो इस संसार लोक में है, बड़ा दुखी है, उसे संसार से मुक्त कराना है, वह उसे जन्म मरण के बंधन से वह मुक्त होना चाहता है और आपकी भक्ति में वह डूबा रहता है, अतः उसका भक्त आप उद्धार कीजिए। और आपकी बात को कौन मानेंगे? कृष्ण जरूर मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि आप नागरी हैं। आगे उसको और बता रहे कि इसके बारे में बिहारी को इतना विश्वास क्यों है कि जान तन की जाई परे, जिनके तन की छाया पड़ने मात्र से, किसके तन की छाया मात्र से, राधिका को देखने मात्र से श्याम हरित दुति होय, श्याम क्या हो जाते हैं? प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी चमक को देख करके, उसकी चमक को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। यानी राधिका को देखते ही जो खुश हो जाते हैं, तो आपकी बात को सुनकर वो उसको कहना मानेंगे। अब यहां देखिए थोड़ा रंगों का, बिहारी को क्यों कहा जाता है गागर में सागर, इस पंक्ति को देखना। जातन की परे जाई परे श्याम हरित दुति होय, श्याम रंग के कौन है? कृष्ण है, नीले रंग के। और गौर वर्णा कौन है? राधिका है, पीला रंग का। और रंगों का जिसको ज्ञान है उसको पता है कि नीले रंग के अंदर यदि थोड़ा पीला रंग का मिश्रण हो जाए तो वो क्या बन जाता है? हरा रंग बन जाता है। श्याम हरित दुति होय, यानी आपके पीले रंग की चमक, आपके गौर वर्ण की चमक से श्याम वर्ण में जैसे ही मिश्रण होगा वो हरित हो जाएगा, मतलब हरा हो जाएगा। तो हरित का अर्थ एक यहाँ पर हरा है और दूसरा अर्थ क्या है? प्रसन्नचित होना है, मन हरा हरा हो गया, यानी खुश हो गया। तो मेरी भव बाधा, संसार रूपी बाधा है, रूपक अलंकार आ रहा है, अलंकार इसमें रूपक हो रहा है, दूसरे में हरित शब्द में और द्वितीय शब्द में श्याम शब्द में, इनमें क्या हो रहा है? दो दो अर्थ निकल रहे हैं, तो श्लेष हो गया है, तो श्लेष भी है, रूपक अलंकार भी है, और यह बिहारी सत्संग का मंगलाचरण भी है और भक्ति का पद है। बिहारी के तीन तरह के पद मिलेंगे आप, कहीं भक्ति के पद मिलेंगे, कहीं नीति के पद मिलेंगे, कहीं श्रृंगार के पद, श्रृंगार के पद मिलेंगे। तो भक्ति नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी बिहारी सत्संग में बहती है। तो पहला पद क्या हुआ कि मेरी संसार रूपी बाधाएं हरण करो, हे राधिके मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप चतुर हैं, आप मेरे निवेदन को सही तरीके से श्री कृष्ण के साथ पहुंचा सकते हैं, और वो इसलिए पहुंचा सकते हैं कि आपको देखने मात्र से श्याम खुश हो जाते हैं, तो जब मेरी बात आप कहेंगे तो निश्चित रूप से वो क्या करेंगे? मेरी बात को, आपकी बात को जरूर मानेंगे। समझ में आ गया? चले आगे। दूसरा भक्ति का पद है, कृष्ण की भक्ति कर रहे हो और कृष्ण का जो सौंदर्य रूप है उसका प्रकटीकरण है कि मोर मुकुट कटी काछनी कर मुरली और माल, यही बानिक मोहन बसो सदा बिहारी लाल, मोर मुकुट कटी काछनी कर मुरली और माल। मस्तिष्क पर क्या है? मोर का मुकुट रहे, कटी में काछनी रहे, कमर में उनके पीतांबर काछनी होती है ना, धोती, धोती की कांच कच्चा बना हुआ है ना, वो उस तरह की डिजाइन की धोती पहनते थे वो, तो वो काछनी रहे, हाथ में मुरली रहे, हृदय में गले में माला रहे, यही बालिक यानी यही छटा, इसी तरह की छटा मेरे मन में बसी रहे, ये बिहारी लाल कहता है। क्या मतलब इसको, क्यों कहना चाहता है, क्या ऐसी उत्कंठा है कि यही छवि रहे? उसके पीछे उनकी साफ दृष्टि है, कृष्ण की भक्ति उनके यहां पर प्रकट हो रही है कि मेरे को वह मोहक कृष्ण का वह रूप बार बार मेरे मन में बसा रहे, तो जब भी मैं उनका स्मरण करूं तो मेरे सामने उनका यह चित्र आ जाए। मोर मुकुट कटी काछनी, अब देखिए
यहाँ भाव सौंदर्य तो जो भी है जो है, लेकिन कलात्मक दृष्टि से बिहारी को बहुत अच्छे ढंग से देखना चाहिए आप। कितने आसानी से उन्होंने अलंकारिक छटाया बिखेर दी, मोर मुकुट मां की दो बार आवृत्ति हो गई है, कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास हो गया, कटी काचनी हो गया, फिर अनुप्रास हो गया, फिर मोमन मोमन, फिर अनुप्रास हो गया, बसो बिहारी लाल वापस आ गया, फिर यानी पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है और भगवान की भक्ति है, अतः भक्ति रस तो नहीं। इसके अलावा श्रृंगार रस भी आप कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके श्रृंगारी छटा का सामने चित्रण है। अगला पद देखिए आप, और महत्वपूर्ण पद है जिस पद को आप देख रहे हैं, कि तंत्रिनादि कवित्रस ससुराग रतिरम, तंत्रिनादि कवित्रस ससुराग रतिरम, अनुबुढ़े बुढ़े तरे जे बुढ़े सबरम, तंत्रिनादि कवित्रस। एक एक शब्दों को देखिए आप और कैसे विरोधाभास होता है, यानी विरोधाभास में क्या आपको दिखता तो विरोध है लेकिन होता नहीं है, विरोध का मात्र आभास होता है। कैसे, तंत्री का नाद यानी तंत्र, तंत्री देखते ना वीणा तंत्री स्वर तंत्री, किसको कहते हैं वीणा को कहते हैं, सुर बसते तो उसमें है स्वर वही तंत्री नाद, वीणा की झंकार तीन तार होते हैं उसमें, देखा आपने सारे गमन गमन है ना। कवितरस कविता का रस, कविता का रस कैसा होता है, उसका सांसारिक स्वाद नहीं होता, वह लोकोत्तर होता है। कोई कहे कि तुम्हें कविता सुनने के बाद कितना आनंद आया, उसका पैमाना नहीं होता, उसको मापा नहीं जा सकता। सरस राग, राग होता है, राग समझो राग मल्हार, राग भैरव, नाम सुने ना, राग घोड़ी, इनके अलग अलग राग होते हैं। जैसे आपने वीणा के पदों को पढ़ा था वो राग होते हैं, सूर के पदों को पढ़ते हो आप वो अलग अलग रागों में है, रागिनियों में। और रतिरंग प्रेम का, इन चारों की तुलना की ये जैसे होते हैं, ये तंत्री का नाद, कविता का रस, सरस राग का मतलब मीठे मीठे राग और प्रेम का रंग, इन चारों की खासियत आगे बताएंगे वो। अनबूढ़े बूढ़े, अनबूढ़े बूढ़ना का मतलब होता है ब्रज भाषा में डूबना, जो नहीं डूबे वो डूब गए, अनबूढ़े बूढ़े, बूढ़े का मतलब डूब गए, अनबूढ़े जो नहीं डूबे, जो नहीं बूढ़े, बूढ़े का विपरीत है, जो नहीं डूबे वो डूब गए, और तरे जे बूढ़े समांगो, और तैर गया, तैर गया जिसने सभी अंगों को डुबो दिया। बात सीधी से सपाट भाषा में समझे कि तंत्री का नाद, कविता का रस, सरस राग और प्रेम के रंग में जो नहीं डूबा वो डूब गया, और जो डूब गया वो तैर गया। कैसे, ये विरोधाभास, बात ऐसी लग रही कि जैसे मैं विरोधी बातें कर रहा हूं लेकिन विरोध का आभास ऐसा नहीं है, या ऐसा नहीं है कि तंत्री का नाम वीणा का स्वर बज रहा है और बहुत डूबा हुआ स्वर लग रहा है। अब सामने वाले को स्वर की समझ रही है कि ये कौन सा स्वर गाया जा रहा है, तो उसे क्या लगेगा कि ये क्या आलाप ले रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे आप कोई शास्त्रीय संगीत सुनते हो तो आपको लगता है क्या संगीत चल रहा है, क्योंकि आपको समझ नहीं, लेकिन जिसको समझ है वो क्या करेगा, इसमें डूब जाएगा। तंत्री का नाद, वीणा के स्वर को जिसने सुना, जिसको समझ है, जो उसको समझने के बाद डूब गया, मतलब तैर गया, मतलब उसे सब समझ में आ गया कि क्या गाया जा रहा है। और कवितरस, कविता के रस के अंदर भी जो डूब गया उसे सारी बात समझ में आ गई कि इस कविता में कहना क्या चाह रहा है, और जिसे कविता की समझ ही नहीं है। मैं मान लो जयशंकर प्रसाद की कोई बेहतरीन कविता बीते विभावरी रागिनी को सुना रहा हूं और मेरे सामने बैठा हुआ है तीसरी पास कोई गांव का एक व्यक्ति, या शहर में छठी पास कोई मजदूर आके बिठा दिया, कोई आप बीते विभावरी आपको सुनाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, आप बताइए क्या उन्हें कवितरस समझ में आएगा, नहीं आएगा ना, उसका एक स्तर होता है। कवितरस, कविता के रस को भी वही व्यक्ति समझ सकता है जो उसके अंदर पूरा डूब जाए, और जब तक नहीं डूबेगा, आप यही देख लीजिए ना, इस पद को समझ रहे हैं, जो डूबना
डूबना चाहता है वो तैर जाएगा और जो नहीं डूबना चाहता है वो डूब जाएगा। कैसे? जो समझना चाहता है वो समझ जाएगा और जो समझना चाहता है नहीं उसे समझ में आएगा ही। तो तंत्री नाद कवित्त रस, कविता का रस और सरस राग, सरस राग को भी ऐसे नहीं समझा सकता जब तक उसे रागों का ज्ञान नहीं। तो राग मल्हार क्या होता है, राग दीपक क्या होता है, राग गोड़ी क्या होता है, जब तक इनका पता नहीं होगा तो वो भी नहीं समझ पाएगा। और प्रेम के रंग में भी जो नहीं डूबता, सतही प्रेम करता है, आ गया कह दिया, ऐसा नहीं। जो वास्तविक प्रेम करता है उसके लिए क्या करना पड़ता है, जो अनबूढ़े बूढ़े जो नहीं डूबता है, इनको सरसरी निगाह से देखता है, उनको केवल हल्के ढंग से लेता है, वो डूब जाता है, मतलब उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इन चारों चीजों में तरे जे बूढ़े समंग, और उस व्यक्ति को तैर जाता है यानी उसका उद्धार हो जाता है, उसे सारी बातें समझ में आ जाती है जिसने अपने सारे अंगों को डुबो दिया। बात समझना, यानी आपको सरस राग सीखना है, प्रेम के रंग में करना है, कविता का रस सीखना है और तंत्री का नाद सुनना है, तो आपको उसमें पूरा डूबना पड़ेगा। जब तक आप नहीं डूबोगे तब तक आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये है इसकी बात। तो मुख्य अलंकार कौन सा हुआ? विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार का सबसे बेहतरीन उदाहरण है, आप इसको समझना है। आ गया ना? हाँ, तो क्या कह रहे हो? तंत्री नाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब रंग। अगला पद देखें, कोटि जतन को करो परे न प्रकृति बीजो, नल जल जल नल बल जल ऊंचो चढ़े अंत नीच को नीचो। ये नीति का पद है, संसार का एक यथार्थ है। अपन नहीं कहते हैं मेवाड़ी में एक कार्य का बड़ा धोल होने बैठे है ना, लूण नहीं चला थर तो रहेगा, रही ने कहा कदले इसी भुजंग मुख स्वाद एक गुरुदीन जैसी संगति बैठी है तैसो ही गुरुदीन। यह यहां वही बता रहा है कि मनुष्य का स्वभाव, मैन डिस्टिंग्स कैन नॉट बी चेंज, मनुष्य की वृत्तियां बदल नहीं सकती। बिहारी यही कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, कोटि जतन को करे, कितना भी प्रयास कोई क्यों ना कर ले, परे न प्रकृति ही बीजू, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। ये जाना थोड़ा सा गलत लग गया, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। उसका उदाहरण दृष्टांत दे रहे हो, कैसे कि नल बल जल ऊंचो चढ़े, जैसे नल के पानी को दबाव के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से कहां चढ़ाया जाता है, ऊपर चढ़ाया जाता है। मोटर लगाते हैं आप, टंकी में चढ़ाते हैं, ट्यूबवेल से चढ़ाते हैं, कहां चढ़ाते हैं, टंकी में, और अंत नीच को नीच वापस कहां आता है वो, उसका मूल स्वभाव क्या है, ऊपर से नीचे आना। आप कितना भी प्रयास कर लें लेकिन वह वहां पर आएगा। इसलिए यह संसारिक यथार्थ है कि आप क्या करें, किसी इंसान की जितनी काबिलियत है उसे वही स्थान दीजिए, अन्यथा वो अपनी हरकतें करके ही रहेगा। समझ आएंगे ना, मनुष्य अपना स्वभाव जिसकी प्रकृति में पड़ गया है वो छोड़ता नहीं। अगला पद देखें, और ये भी भक्ति का पद है, और यहां उस सांसारिक आडंबर का भी वर्णन है जो मनुष्य और साधु संतों में आपको देखने को मिलता है। क्या? जप माला छापा तिलक सरेन एको कामो, मन का चेना चे रथा साचे राचे रामो। जप माला छापा तिलक, घूमते हुए आपको गलियों में कहीं पर दिख जाएंगे, संसार में पूजा पाठ करने वाले आडंबर करने वाले सब दिखेंगे आपको, ऋणी वो आडंबर भक्ति भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए मन सच्चा होना चाहिए। बाकी केवल आप जप कर रहे हैं, माला का जाप कर रहे हैं, राम 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 राम, 24 घंटे बैठे हैं तो भी बीड़ी पी रहे तब भी राम राम कर रहे हैं। ऐसे भी देखिए वो खाली आडंबर है,
जप माला छापा तिलक, मालाओं का जाप कर रहे हैं आप दिन रात और छापे लगा रखे हैं, ऐसे राम नाम के दुपट्टे लगा दिए, गले में डाल दिए, भगवान मेरा परमात्मा ये है, ऐसे जैसे कोई राम नाम ही लगा दिया और मुंह पर त्रिपुंड लगा दिया, तिलक लगा दिए, सब कर दिया। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, सरेन एको कामो, इनसे एक भी काम सधने वाला नहीं है, आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली। कोई कह रहे कि मैंने इतना काम कर लिया, राम नाम का दुपट्टा धारण कर लिया, त्रिकुंड का तिलक लगा दिया, मालाओं का जाप कर रहा हूं, 24-24 घंटे जाप कर रहा हूं और फिर भी मेरे को उद्धार नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, क्यों क्यों? कि मन ना मन काचे नाचे रथा साचे राचे राम, आपको घर भी भगवान नहीं मिल रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या है कि मन आपका कच्चा है और बेकार में ही नाच रहा है। बगुला भगत नहीं कहते, बगुला भगत शब्द आता है, यानी दुकान पर बैठे हैं, माला जप रहे हैं, ग्राहक आया फौरन नजर आ गया और उसका काम कर लिया, वापस हो गया, कितना लगेगा, 20 रुपया लगेगा, सच कह रहा हूं झूठ बोल रहा है और माला वापस जप रहा है, बोलो भगवान खुश हो जाएंगे क्या? आप मालाओं के जाप से अपने आचरण को जितना नहीं सुधारोगे, आप अपने मन को कच्चा रखोगे, आप ईश्वर से सीधा तल्लीनता से सामान्य उनके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं करोगे तो ये बेकार की बात है। रथा का मतलब बेकार है, मन कांचे नाचे रथा, सच्चा व्यक्ति तो वही होगा जो राम में रच बस जाए, यानी राम से सीधा तादात्म्य स्थापित कर ले, परमात्मा से सीधा तल्लीनता से जुड़ जाए, उसे ही राम मिलेंगे। बाकी ये सब उपासना की अलग अलग पद्धतियां हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम मंदिर जाओ, तुम मस्जिद जाओ, गिरजाघर जाओ या गुरुद्वारा जाओ, जब तक तुम्हारा जुड़ाव उस परमात्मा से नहीं है, ये बेकार की बात है, ये भी भक्ति का पद है। तो मन कांचे नाचे रथा सांचे रांचे, देखो अंत्यानुप्रास, देखो कांचे नाचे सांचे रांचे, है ना, चेचे आ रहा है ना, अंत्यानुप्रास लगा कर देखो आप, यहां पर शानदार प्रयोग हुआ है। अगला पद नीति का देखो आप और भक्ति का, दोनों जुड़ाव है। भक्ति का देखो आप, या अनुरागी चित्त के गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग क्यों क्यों उज्जवल होए। ये विरोधाभास है, या अनुरागी चित्त की, मेरे इस चित्त का अनुराग भी अजीब तरीके का है, अनोखे ढंग का है, गति समझे नहीं कोई, इसकी गति को कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि मेरा मन चाहता क्या है, मेरा चित्त चाहता क्या है। बड़ी अजीब स्थिति क्या है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे यह श्याम के रंग में डूब जाता है त्यों त्यों उज्जवल हो, मतलब नीले रंग में डूबता है और फिर और उज्जवल होकर के निकलता है, ये कैसी बात। यहां पर श्याम का अर्थ क्या है, दो अर्थ है, एक तो श्याम वर्ण है नीला और दूसरा कृष्ण है, तो अर्थ यहां पर क्या है, जो कृष्ण की भक्ति में डूबने के बाद मेरा मन और क्या हो जाता है, उज्जवल हो जाता है, निर्मल हो जाता है। बाकी मेरे अंत आप देखोगे ये कैसे संभव है कि सामने में डूब रहा है वो उज्जवल हो रहा है, तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उसका लक्षण ही करते देखोगे आप, क्या लक्षण है, शब्द सिद्धि भी कौन सी है, लक्षण या शाम का अर्थ में क्या लेना पड़ेगा, कृष्ण, तब जाकर के इसका सही अर्थ निकलेगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम क्यों क्यों, यानी जैसे जैसे भक्त का मन श्याम के रंग में डूबता जाएगा त्यों त्यों मन क्या होता जाएगा, उज्जवल आएगा। यहां पर खास तौर से कलात्मक सौंदर्य को भी आप देखने की कोशिश करें, जो जो बूढ़े है ना, पुनरुक्ति प्रकाश हो गया, बार बार दोबारा आ गया है, त्यों त्यों उसके साथ साथ आ गया है, इस तरह से बूढ़े श्याम रंग विरोधाभास हो गया है, एक काला रंग होता है, कृष्ण का रंग होता है, विरोधाभास अलंकार सामने आपको दिख ही रहा है, श्लेष भी है, ये चीजें हैं। सांसारिक यथार्थ को प्रकट करती हुई ये पद आपको बिहारी को देखने का है। और कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसा समय भी आता है कि जब उसे लगता है कि मैं उपेक्षित हो रहा हूं, अब मेरी ज्यादा यहां पर जरूरत किसी को है नहीं,
तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। संसार में हर व्यक्ति के साथ, हर प्रकृति के उपादान के साथ ऐसा समय आता है और उस समय वो महसूस भी करता है, लेकिन ऐसा कभी उसे सोचना नहीं चाहिए। यही संदेश उसमें है कि जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीते बहार, अबली रही गुलाब में अपद कटीली डाल। गुलाब का पौधा एक समय था जब उसके अंदर गुलाबी पंखुड़ियां आ रही थी, खिली हुई पत्तियां थी, अपनी खूबसूरती के लिए सभी को आकर्षित कर रहा था, पूरे बगीचे में वह पौधा उस सब का राजा बना हुआ था। और आज क्या हो गया है, पतझड़ आ गया है और वो जो अली गुलाब जो भी थे वो सब चले गए हैं। अब क्या रह गया है, अब पत्तर बिना पत्तों की कटीली डाली जिस पर सिर्फ कांटे हैं। तो बताइए वो गुलाब की पहचान के नजर आएगी क्या, नहीं आएगी। तो जिन दिन देखे वे कुसुम, जिन्होंने वो कुसुम देखे हो वो बहार बीत गई है, अब वो समय नहीं रहा है। अब अली रही गुलाब में, अब क्या है भोरे को कह रही हो, क्या वो छटा चली गई है, वसंत चला गया है, अब जो भोरा है अब वो क्या आएगा यहाँ पर, क्यों आएगा, क्योंकि अब तो यहाँ पर बिना पत्तों की कटीली डाली रह गई। यहाँ पर वो संकेत भी देते हैं, कई बार कवि क्या करते थे डायरेक्ट अपनी बात नहीं कहते थे। राजा महाराजाओं का आश्रम में रहते थे, जयसिंह के दरबार में थे, कई बार ऐसा लगा होगा उन्हें कि जयसिंह जी मुझे क्या कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, तो प्रतिदिन वो एक दोहा लिखते थे, उन्हें एक सोने की मोहर मिलती थी ऐसा कहा जाता है। तो एक दिन ये दोहा कह दिया, क्या कहा, जिन दिन देखे मैं कुसुम हे महाराज, अली ये कह रहा है कि आज मैंने पहले तो इसे पीती कर इसे डाल पर मैं क्या देखता था, कुसुम देखता था, फूल खिले हुए होते थे, कलियां खिली हुई होती थी, उसका रस भरा रहता था, आज वो बाहर नहीं रही, मुझे तो यहां पर बिना पत्तों के कटीली डाल नजर आ रही है। आज मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं है, निधि का पद है। तो जिन दिन देखे वे कुसुम गए सो बीती बहार, बीती बहार में अनुप्रास, अब अली में अनुप्रास, रही गुलाब में अपत, अपत बिना पत्तों के है ना, उसको विलोम मना दिया, कटीली डाल। ये दोहा तो आपने देखा है और यमक का प्रसिद्ध दोहा भी, नीति का दोहा है, कनक कनक ते सो गुणों मानक ताधिकाय, उही खाए बोराय रे ही पाए बोराय। कनक कनक दो शब्द हैं और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, एक कनक होता है सोना और एक होता है धतूरा। पहला जो कनक शब्द है यहां पर क्या बता रहा है, धतूरा है। दूसरा कनक का अर्थ क्या है, सोना। अब किसी के केवल नाम से ही उसका आधार बना लिया जाएगी, ये ऐसा होना जरूरी नहीं है। यहां पर आपको समझना पड़ेगा कहना क्या चाह रहा है। कवि कह रहे हैं कि कनक तो कनक से 100 गुना अधिक मादक है, एक सोना दूसरे कनक से ज्यादा मादक है। कौन सा मादक ज्यादा है, सोना ज्यादा मादक है, धतूरा कम मादक है। आपकी दृष्टि में यह बड़ा अजीब लग सकता है, क्यों, सोना तो सोना है, सोना समझते ना गोल्ड आभूषण, जिसके पास अपार सोना हो, 2 किलो 5 किलो 10 किलो सोना जिसके घर में हो, उस व्यक्ति का रहन सहन चाल ढाल करने का काम करने का तरीका बोलने का तरीका और अंदाज आपको दिख जाए, आपको लगेगा कि वह कितना मादक है, यानी उसके अंदर मद भरा हुआ है, मस्ती भरी हुई है, वह दूसरे को कुछ ही समझ नहीं रहा है। तब जाकर के कवि कहता है कनक कनक ते सो गुणी मादक का अधिकार, उस धतूरे से तो यह सोना ज्यादा मादक है, यह ज्यादा नशीला है, क्योंकि वही खाए बरा धतूरे को कोई खाएगा तो थोड़ी देर के लिए आदमी क्या हो जाएगा, पगला जाएगा, नशे में इधर उधर भटकता फिरेगा, इधर उधर गिर जाएगा, लेकिन इसको तो पाने मात्र से बोरा हो जाता है, उसको तो पागल होने के लिए खाना पड़ता है, इसको तो केवल मिल जाए तब भी क्या हो जाएगा, आदमी पकड़ा जाएगा। कितनी बड़ी नीति की बात है और संदेश कितना स्पष्ट है कि तुम्हारे पास इतना बड़ा सोने का भंडार है, उससे ज्यादा मादक होने की जरूरत नहीं, तुम्हें पाने मात्र से पागल हो गया है, अरे धतूरे से ज्यादा खतरनाक है। तो कनक कनक में यहां पर क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया, समझ में आ गया।
इसी गलत को देखो आप, दूसरा प्रयोग देखो आप, एक तरफ तो सोने को मादक और दूसरा सोने की वापस देखना इस तरह कैसे जा? कि बड़े न हो जे कुनन बिनु विरल बड़ाई पाए कहत दतुरे सो कनक गहरों गण जाए। बड़े न हो जे कुनन बिनु विरल बड़ाई पाए कहत दतुरे सो कनक गहनों गड़ो न जाए। बड़े न बुझे गुण, तुम बड़े नहीं हो सकते बिना गुणों के, बुझे का मतलब हो सकते। आप बड़े बनना चाहते हो तो केवल उम्र से बड़े नहीं हो सकते। मैं 80 साल का हो गया इससे बड़ा आदमी हूं, पहले जन्म ले लिया तो बड़े हो गए, ऐसा भी कुछ नहीं है। बड़ा बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? गुणवान बनना, गुणों को धारण करना पड़ेगा, साधना गुणों की करनी पड़ेगी। संसार में अपना आचरण, अपने विचार, अपने गुण, अपने ज्ञान आदि के आधार पर आप बड़े बनोगे। तो कभी कहता है कि बड़े न बुझे गुणन बिनो विरद बड़ाई पाए, और वही व्यक्ति क्या करेगा? यश को प्राप्त करेगा, बड़ाई पाएगा। कब? जब अपने गुणों को प्राप्त करेगा। बाकी यश नहीं मिल सकता। संसार में कई लोग आए, आपको कितने लोगों के नाम याद है? कुछ लोगों के, मैं पूछूं भारत के महापुरुषों के कितने नाम बताए, या 25-30-40 बता दो, उसके बाद भूल जाओ। यहां तक कि अपने पूर्वजों के 10 पीढ़ियों पहले नाम आपको याद नहीं होंगे। नाम हमें किसके याद रहे हैं? जिन्होंने अपने गुणों के माध्यम से पूरे संसार को, इस मानव जाति को, इस ब्रह्मांड को, इस प्रकृति को समृद्ध किया, वो बड़े कहलाए ना। तो बड़े न बुझे गुण बिनो विरल बड़ाई पाए, और उन्हें ही बड़ाई मिलती, और बड़ाई इसके बिना नहीं मिलती। कैसे? कि कहत दतुरे सो कनक गनो, कोई दतुरे को कह देंगे तो कनक है, ये तो कनक है, क्या गहने गढ़ लोगे क्या? कोई दतुरे को कनक कहने से सोना हो जाएगा क्या? सोना सोना ही होगा, दतुरा दतुरा ही होगा। नामकरण कोई कह दे, नाम रख दिया आपका शांति लाल, और रोज घर में तूफान मचा रहे हो, तब तुम शांति कहां है? बताओ, नाम रखने मात्र से क्या आप शांति हो जाओगे? क्या नहीं होंगे? आपके लिए उसके वैसे गुण धारण करने पड़ेंगे। नाम रामलाल है और भाई को धक्के मार के निकाल रहा है, ये संभव है क्या? तो रामलाल कहने मात्र से नहीं होगा, राम के जैसे गुणों को धारण करना पड़ेगा। तो कहत धतुरे सो कनक गहनो गड़ियो न जाए, आप उसका गहना नहीं गढ़ा जा सकता है। यानी कहने का आशय, आपका जैसा नाम है वैसे गुण यदि नहीं है तो फिर कोई उसका औचित्य नहीं है। ये भक्ति का पद है कि जगत जनायो जिहि सकलो सो हरि जानु नाही, जगत जनायो जिहि सकलो सो हरि जानु नाही, जो आखिन सबु देखिए आखिन देखी जाए। जगत जनायो जी सकलो, जी मतलब जिसने, सकल का मतलब सकल संपूर्ण, जगत को जिसने जनाया उस हरि को तुमने जाना ही। हम संसार में किसको जानते हैं? सबको जानते हैं, केवल उसको नहीं जानते जिसने हमको इस संसार में लाया है। सबसे बड़ी विडंबना है। अभी आपको पूछा जाए कि वह चीज कहां है, सब पता आपको, आपको इस पूरे मंगल ग्रह तक पता है, चंद्रमा पर क्या है भूमि में पता है, लेकिन वो परमात्मा कहां है ये तो पूछना पड़ेगा। तो यहां पर वो बिहारी यही संदेश दे रहे हैं कि जगत तो जनायो जी, अरे जिस जगत को आपको दिखाया, जिसने संपूर्ण रूप में इस जगत को दिखाया कि देख ये संसार है, ये जल है, प्रकृति है, आकाश है, इतनी संसार सुंदर दुनिया है, तुमको सब कुछ दे दिया, सो हरि जानो नहीं, तुम उस हरि को जाने, उसकी स्थिति कैसी है? उदाहरण अलंकार देखना, जो आखिने सब देखिए आखिर देखी जाए, ये आंखें सबको देख लेती है लेकिन खुद को नहीं देख पाती। आंखें देख सकती है अपने आप को, वो सब देख लेती है। हमारी स्थिति वैसी है कि हमने सबको देख लिया लेकिन जिस माध्यम से देख रहे हैं, जिस परमात्मा के माध्यम से देख रहे हैं, उसको देखा ही नहीं, उसको देखना ही नहीं चाहते। संदेश क्या है? कम से कम आप वापस अपने की ओर बढ़ो। कई बार भ्रांति अवश्य है। मैं आपको कहता हूं कि आपको ये सब किससे दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है,
ये प्रकाश किसने दिया? उस परमात्मा ने। आंखें कब काम कर रही है? जब ये प्रकाश है। ये आंखें उस परमात्मा ने दी हुई और सबको देख रही हो रही, आंखें खुद को नहीं देख पा रही है। उसी प्रकार से परमात्मा ने आपको बनाया, बड़ा किया, पाला पोसा, इस तरह से संसार में आप खेल रहे हो, हंस रहे हो, कूद रहे हो, किसकी मेहरबानी? उस प्रभु की मेहरबानी है। आप उसको जानने नहीं चाहते, उसको जाना ही नहीं, और ऐसे ही संसार से आप क्या करते गए, निकल गए। तो यहां पर उदाहरण अलंकार कि जगत जनायो जी सब उपरास की है, सो हरि जानो नाय, जो आंखें सब देखी है आंखें देखी जाए। ये नीति का पद है और बड़ी अच्छा संदेश भी है कि आप जितनी विनम्रता धारण करेंगे उतने ही आप बड़े बनेंगे संसार में। अगर आपने देखा होगा कि एक हरी धूप को देखा होगा, एक खजूर के पेड़ को भी देखा होगा, बाढ़ के आने पर खजूर का पेड़ नदी के सामने तट पर खड़ा हो जाए कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा पानी, वो क्या करेगा? आए और पानी का एक फ्लोर खजूर को उखाड़ करके अपने साथ बाहर ले जाएगा। और दूसरी तरफ दूब है, छोटी सी है, छोटी सी, वो पानी आ रहा है, विनम्रता से गर्दन झुका दिया, पानी ऊपर चला गया, पानी जाने के बाद वापस कर विनम्रता है कि नहीं अंतर? तो यहां पर तुम्हें कह रहे हैं कि नर के अरुणल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो होए चले ते तो ऊंचो होए। नर की यानी मनुष्य की और नल के पानी की गति एक जैसी है। नल नीर, नल का पानी एक एक करी, मतलब एक ही समान है। पानी भी होता है नल का, उसको भी देखो आप, उसकी चाल एक जैसी है। जे तो नीचो वे चले, जितना नीचा वह चलेगा नदी का, इसका नल का पानी जितना नीचे से प्रेशर चलेगा उतना ही तेज आएगा। मतलब जितना पानी टंकी से जितना नीचे आएगा उतना क्या हो उसका फोर्स आएगा, और यहां से ऊपर ले जाना हो तो क्या आएगा? आपका कभी दो मंजिल का मकान में रहेगा? हाँ, ऊपर पानी की टंकी है, ऊपर की मंजिल का पानी का फोर्स देखना और नीचे वाले का देखना, कहां तेज आएगा? जितना नीचा वह जाएगा उतना वह तेज गति से जाएगा। तो मनुष्य के बारे में भी यही कहा कि आप भी क्या करेंगे, जितना विनम्र होगा वही बड़ा कहलाएगा, और जो अकड़ के चलेगा वह उतना ही छोटा होता जाएगा। तो संसार में विनम्रता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। आप जितना अपने गुणों को धारण करने के बाद भी, ज्ञान को धारण करने के बाद भी, धन संपदा को धारण करने के बाद भी यदि विनम्र रह जाते हैं तो संसार आपका यशगान करता है, आपका गुणगान करता है, तो कितना बड़ा आदमी है। नहीं कहते कोई लाख रुपए आदमी है, मतलब क्या है? छोटी छोटी बातों का बड़ा महत्व होता है। गांव के लोग बात करते हैं लाख रुपए का आदमी का, मतलब लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ी बात है, आपके लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन कहने का आशय ये बहुत बड़ा गहरा आदमी है। तो उसका विनम्रता के कारण, और जो बकबक करता रहता है मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरे सामने ऐसा है, तो उसको कहता है छिछोर बन जाए, इसका कुछ नहीं है, थोथा चढ़ा बाजे गणा ऐसे से मुहावरे बने चले हमारे, आधे जल गगरी छल कर जाए, ऐसी लोकोक्तियां बनी हुई है, आधे जल से हुआ भरा ज्यादा छल 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 करता रहता है, क्योंकि आधा भरा है और पूरा भरा होगा तो क्या करेगा? हिले समुद्र इतना गहरा होता है, गंभीरता तो बोलता है, और छोटी सी एक झरना है पानी का एक धारा जा रही हो आवाजें कर रहा है ना, पत्थरों चकरा रहा है, तो इसका क्यों? उसकी गर्दन अलग है, समुद्र की गहराई अलग है, और उसके अंदर डेप्थ अलग है। तो वाणी मनुष्य जितना बड़ा होगा कैसे होगा? अपनी विनम्रता से होगा। आसे अटक्यो रत अली गुलाब के मूल, हे वे फेरी वसंत ऋतु इन डारनु वे फूल। ये भी नीति का दोहा है, और बिहारी ने संकेत अपने राजा को किया है कि यही आस अट क्यों रहे। कई बार संसार में ऐसे मनुष्य होते हैं जो उम्मीद पर टिके रहते हैं, उम्मीद पर जिंदा रहते हैं कि एक दिन हमारा समय आएगा, आएगा कैसे? कि यही आस अट क्यों रहे, इसी आस में वह अटका रहता है। कौन? अली गुलाब के मूल, गुलाब के पौधे के पास भंवरा अटका रहता है, ये जानते हुए भी कि यहां पत्ते नहीं रहे, केवल कांटे रह गए हैं, एक डाल रह गई है, लेकिन वो पता है एक दिन वसंत आएगा, फिर कलियां खिलेगी, हरे पत्ते आएंगे, उस कली में से गुलाब निकलेगा, पराग आएगा, रस टपकेगा, और उस रस का पान मैं करूंगा। क्या कह रहा है कली? यही आस अट क्यों रहत,
इसी आस में वह अटका रहता है। अली गुलाब के मूल, अली इस गुलाब की जड़ में कि वे पहली वसंत ऋतु वापस फिर लौट करके आएगी, वसंत ऋतु आएगी और इन गार्डन पे फूल खिलेंगे। यानी कई बार उम्मीद पर दुनिया जिंदा रहती है। कभी यहाँ संकेत है कि छोटी छोटे आपदाओं से, छोटे छोटे विचलन से, छोटी छोटी तकलीफों से आप इतना निराश मत हो जाओ, क्योंकि समय वापस आपका कभी अच्छा भी आएगा और उस समय फिर वापस आपकी प्रतिष्ठा बनेगी। अतः हल्के छोटे से अवसादों से ग्रसित होने की जरूरत नहीं है, निराश होकर के टूटने की जरूरत नहीं है। इस पूरे बिहारी के इन पदों को आपने देखा, जो मुख्य विशेषताएं निकल के आ रही है वो क्या आ रही है? नंबर वन, एक तो उनके पदों में कृष्ण की भक्ति है। कई बार आए ना जैसे उस तरह से कृष्ण के महाराज जी है, उस रूप में तो नहीं, लेकिन कृष्ण की उन्होंने आराधना की है। मेरी बाबा राधा तो कृष्ण के माध्यम से, राधा के माध्यम से कृष्ण के पास जा रहा है। दूसरा, नीति की बातें की है उन्होंने, नीति की बातें की ना कि मनुष्य को ऐसा स्वभाव रखना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तीसरा, सांसारिक यथार्थ का चित्रण भी उसमें हुआ है। संसार में ऐसे ऐसे दृश्य हमको देखने को मिलते हैं, जो पद हमने पढ़े उन्हीं की बात। आगे और क्या था उसके अलावा? जो मैं मुख्य रूप से इसकी जो बातें हैं वो क्या है? कलात्मक पक्ष देखना, अलंकारिक योजना बड़ी शानदार है। कहीं विरोधाभास आ रहा है, कहीं अनुप्रास आ रहा है, कहीं यमक आ रहा है, कहीं उदाहरण अलंकार आ रहा है, कहीं दृष्टांत आ रहा है। इन छोटे से पदों में भी इतनी बातें आ रही। उनके जो दोहे हैं वो शास्त्र दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध है, निपुणता के कवि कहे जाते हैं। मेरे को दोष नगरने देने आता है और काफी गहराई है। गहराई किस तरह से? गागर मंत्री पवित्र अवसर आप देखोगे तो चार गुणों को एक साथ जोड़ना और जोड़ करके नीचे क्या कर देना उसका एक मंतव्य और उसका निष्कर्ष निकालना। बूढ़े बूढ़े तरह इतना गहराई नहीं हो गए, गागर में सागर का संकेत देने वाला है। और छोटी छोटी जो नीति की बात है वो गाव करेंगे होंगे, देखने में छोटे लगे गाव करेंगे होंगे, कितना आसने से। यानी आपको बड़ी मुश्किल कह दिया कि ही आ सकते हो रहे, यानी राजा को कह रहे हो अली गुलाब के मूल में तो आपके पास रखा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस उम्मीद में कि एक दिन बाहर आएगा आप खुश हो जाएंगे, मेरा घर वापस चल पड़ेगा। संकेतों की भाषा लाक्षणिकता है, भाषा में लक्षण शक्ति है। ये भी आप लिखे इसमें बिहारी की कई विशेषता इसमें से निकल के आ जाती है। और पदों को पढ़ेंगे तो और विशेषता निकल जाएगी, लेकिन भक्ति नीति और श्रृंगार के पद इनके यहां पर है और उसके आधार पर इनकी विशेषताओं को रेखांकित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।